गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर एचआर सारण आप सभी का ग्लेड्स फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल की क्लास तक हमने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। ओके, तो देखिए आज करीब करीब 30 के आसपास क्वेश्चन हम करने वाले हैं और पूरा का पूरा जो नेटवर्क के जो टाइप ऑफ नेटवर्क था वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा, वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, अब देखिए, एक हमने सबसे पहले चैप्टर हमने इंटरनेट का कंप्लीट कर लिया था। ओके, और अभी आपका ये टाइप ऑफ नेटवर्क का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तीसरी क्लास है आज टाइप ऑफ नेटवर्क की। ओके, तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए, निम्न में से कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क नेटवर्क के प्रकार है। ठीक है, तो नेटवर्क के हमारे हमने देखे थे 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में कैंपस एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में था बोलिए वाइड एरिया नेटवर्क, और एक था आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये 6 टाइप हमने पढ़े थे। ओके, तो इनमें से देखिए लेन आपका होता है, मेन भी होता है, वेन भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है। ओके, तो देखिए इसके बारे में भी हमने पहले ही पढ़ लिया था। ओके, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, नोड होता है। ओके, गेटवे, नोड और इनके सब के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका नोड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्किंग तकनीक ये पेन का पूर्ण रूप हमसे पूछा, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो देखिए बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है। तो ब्लूटूथ आपका किस प्रकार का नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, और एक हमने उदाहरण देखा था वो क्या था, जिगबी। तो ये भी आपका किसका उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, बताइए। तो क्या होगा, देखिए किसी कंपनी के कर्मचारी, ठीक है, एक कंपनी है। ओके, और उसमें बहुत सारे कर्मचारी, मतलब एक एक कंप्यूटर पे सारे कर्मचारी बैठे होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क। ठीक है, तो एक ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक कंपनी का या इंडस्ट्री का एक निजी नेटवर्क होता है। ओके, जहां पर कर्मचारी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ओके, तो ये क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर आपने पिछली 2 क्लासेज देखी है और थ्योरी आपने सही से पढ़ी है तो आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। ओके, ये लेन नेटवर्क कितनी डिस्टेंस तक वर्क करता है, वैसे तो ये 2 किलोमीटर तक वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 किलोमीटर का है नहीं, तो इसमें 2.5 किलोमीटर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज तक ये काम करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है, लेन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है, फाइल सर्वर, मोडेम सर्वर, प्रिंटर सर्वर और नेटवर्क सर्वर, बताइए। तो इसका होता है प्रिंटर सर्वर, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, लेन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि प्रिंटिंग सर्वर का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा था। ओके, अगर देखिए लेन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशन के द्वारा मोडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है, बताइए। बताइए कौन सा सर्वर होगा, तो ये आपको याद रखना है, मोडेम सर्वर होगा। ठीक है, तो उसमें देखिए प्रिंटर सर्वर हमने देख लिया कि प्रिंटिंग वर्क के लिए है, और ये है मोडेम। ठीक है, और ये जो भी टेलीफोन लाइन शेयर है इसके लिए जो भी सर्वर यूज होता है वो होता है आपका मोडेम सर्वर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेन और वेन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक है, तो लेन लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों के बीच में हमको अंतर पूछा है। तो वाइड एरिया क्या है, पूरा एक वैश्विक नेटवर्क है, इंटरनेट है। ओके, और लेन है आपका एक कंपनी का या एक अपना प्राइवेट नेटवर्क। ओके, तो लेन की स्पीड वैन से कम होती है, क्या कम होती है लेन की स्पीड वैन से, बताइए। लेन पर कंप्यूटर यूजर
का पूर्ण कंट्रोल रहता है, लेन पर कंप्यूटर यूजर का पूर्ण कंट्रोल रहता है, बिल्कुल इसका पूर्ण कंट्रोल रहता है ओके। जबकि वेन के लिए एक अन्य टेलीफोन कंपनी को शामिल किया था। देखिए पूरा का पूरा जो इंटरनेट है ना, इसको हम तक पहुंचाने के लिए एक कंपनी, जो भी टेलीफोन कंपनी है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। किसके लिए? वेन के लिए। तो ये बिल्कुल ये बात आपकी सही है, हमने पढ़ा भी है ओके। और लेन पर जो कंप्यूटर यूजर है उसका कंट्रोल रहता है बिल्कुल, क्योंकि ये एक क्या है, लेन आपका प्राइवेट नेटवर्क है ठीक है। तो सेकंड तो सही है, पहला देख लेते एक बार। लेन की स्पीड वेन से कम होती है, तो लेन की स्पीड वेन से कम नहीं होती। क्यों कम नहीं होती, मैं आपको समझाता हूं। देखिए वेन क्या है, वेन तो हमारा जो भी हम जियो का नेटवर्क चला रहे हैं या वोडाफोन हमारी जो सिम का नेटवर्क चला रहे हैं ठीक है, तो वो किससे चल रहा है, वेन से ही तो चल रहा है ठीक है। वही तो आपका ISP आ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वो वेन का नेटवर्क हमको दे रहा है, यानी ये पूरा फैला हुआ नेटवर्क है ठीक है। और ये आपका एक पर्सनल नेटवर्क होता है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है ओके। तो ये आपको याद रखना है ओके। तो लेन की स्पीड है वो वेन से ज्यादा होती है ठीक है, कम नहीं होती ओके। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली फॉर बी ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गलत नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि लेन एक पर्सनल नेटवर्क है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी ओके। निम्नलिखित में से कौन सा तार नेटवर्क एक कार्यालय के अंदर ही विद्यमान रहता है? तो कार्यालय के अंदर कौन सा रहता है, लेन ही रहता है ठीक है। आगे बढ़ते ही लेन का पूरा नाम पूछ रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया ठीक है। तो ये बहुत ही आसान आसान इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हो कि, और ये तो SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया था SSC CGL के अंदर ओके। किसी भवन या एक ही स्थान पर जुड़ने वाले कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं, तो किसी भवन या एक ही स्थान पर बात करें तो कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क आपका होता है ओके। लेन उसका राइट आंसर था। डेटा ट्रांसफर की सबसे उच्च गति कौन से नेटवर्क की होती है? तो डेटा ट्रांसफर की जो सबसे उच्च गति होती है वो भी आपकी लेन की ही होती है, ये आपको याद रखना है ठीक है। सबसे तेज गति का कौन होता है, लेन होता है। देखिए जो ब्लूटूथ होता है वो तो तेज गति का नहीं होता है ना, जो लेन होती है ना वो आपकी सबसे तेज गति की होती है ठीक है। इतना मतलब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक पब्लिक नेटवर्क हो जाता है फिर है ना। तो ये आपका क्या है, लेन एक तो प्राइवेट नेटवर्क है ठीक है, तो इसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है ठीक है। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है बताइए भाई? तो सबसे छोटा वैसे तो पेन होता है ठीक है। अब ये नहीं दे रखा तो कौन सा होगा, लेन होगा ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सभी को, बताइए। तो देखिए सबसे छोटा तो वैसे होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क ओके, उसके बाद में होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में होता है कैंपस एरिया नेटवर्क ठीक है, उसके बाद में होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद में होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और सबसे छोटा होता है पेन। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इन चार ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर लेन हो जाएगा ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है बताइए, बताइए। तो इसका राइट आंसर भी होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि सबसे छोटा कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है ठीक है। तो इसको सिंगल साइट नेटवर्क भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कुछ तो हमने बहुत सारी चीजें हमने थ्योरी में कवर कर ली है, और कुछ जो बाकी रह जाती है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर कर लेते हो। सामान्यतः लेन की डेटा संचरण दर होती है बताइए, सामान्यतः जो लेन की स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो लेन की स्पीड वैसे तो होती है 10 से 100 MB तक, सॉरी 100। जो हमने इथरनेट की बात की थी, इथरनेट चार प्रकार के होते थे है ना, तो उसमें तो और भी ज्यादा स्पीड थी ओके। लेकिन जो सामान्यतः जो स्पीड होती है वो होती है 10 से 100। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहला तो होगा नहीं, दूसरा ये भी नहीं होगा ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है। यहाँ पर 1 से 100 दे रखा, तो फिर भी हमको सही मानना पड़ेगा ठीक है, और कह सकते हैं 1 से 100 तक ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं। इथरनेट एक प्रकार का है, तो इथरनेट क्या होता है, एक प्रकार का लेन ही तो होता है ना, मैंने बताया था इथरनेट क्या होता है। आगे बढ़ते ही बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, अगर हमने थ्योरी सही से पढ़ रखी है तो। कि डब्ल्यू लेन का पूरा नाम ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी हमने पढ़ा था। लेन के दो टाइप थे हमारे पास में है ना, एक तो था वायर्ड और एक था वायरलेस। और वायरलेस का जो डब्ल्यू लेन का जो उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण वो कौन सा होता है, वाईफाई होता है, और वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी ओके। तो
और इसके 6 वर्जन भी हमने पढ़े थे। ओके आगे बढ़ते हैं, तो इसके 6 वर्जन कौन कौन से पढ़े थे हमने, ए बी जी एन ए सी और ए एक्स, ठीक है। तो ये 6 वर्जन भी हमने वाईफाई के पढ़े थे। ओके आगे बढ़ते हैं, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, बताइए कॉलेज परिसर तक, तो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा बताइए क्या होगा बताइए। तो भाई कॉलेज परिसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना चाहिए था। ओके इसमें वैसे तो लेन तो दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क तो वैसे ही गलत हो जाता है, इंटरनेट भी वाइड एरिया नेटवर्क ही है एक प्रकार से, है ना। तो एक्स्ट्रा नेट की तो इसमें बात ही नहीं हो रही, ये तो कोई नेटवर्क है ही नहीं। ओके तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लेन दिया भी रहता ना तब भी आपका राइट आंसर वैसे कैंपस एरिया नेटवर्क ही माना जाता है। ओके आगे बढ़ते, सभी को समझ में आ रहा होगा एक बार जरूर बताइएगा। नेटवर्किंग में प्रयुक्त केन के संदर्भ में सत्य कथन हमको बताने हैं। तो केन की हमने बहुत सारे फुल फॉर्म हमने देखी थी, कौन कौन सी थी, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क और क्लस्टर एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सारी थी। उसमें से एक है क्लस्टर एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो ये सही है। ओके अगला देखते हैं, ये मेन और वैन से छोटा होता है, क्या ये मेन और वैन से छोटा होता है, बिल्कुल ये मेन और वैन से छोटा होता है। हमने जो ऑर्डर है वो हमने याद किया है, पेन के बाद में है लेन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, उसके बाद में आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में आता है वाइड एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये मेन और वैन से तो छोटा ही है, ठीक है, और ये इसका ऑर्डर रहता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, पेन होता है। ओके ये वाइड एवं वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है, बिल्कुल ये वाइड और वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये वायरलेस कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वायरलेस जैसे देखिए लेन भी तो दो टाइप के होते हैं ना, वायर्ड और वायरलेस। ओके थोड़ी सी बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी इसलिए रोकना पड़ा। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके अब देखिए लेन है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों होता है ना, तो ये लेन का ही तो कनेक्टेड रूप है ना केन। ओके तो ये भी आपका वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क के प्रकार मेन के संबंध में हमको सत्य कथन बताने, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा सत्य है सत्य वाला, और एक जो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मेन के बारे में पूरी चीजें बताइए, है ना। और ज्यादा क्वेश्चन मैंने लिए है लेन के और उसके बाद में मेन और वेन, ठीक है। तो इन तीनों के मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए है क्योंकि आपके सिलेबस में प्योरली ये मेंशन किया हुआ है। बाकी हमने थ्योरी में सारी चीजें हमने पढ़ ली है, उतने मैंने क्वेश्चन नहीं लिए थ्योरी के जितने। ओके जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की तरफ से उतने मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। ओके तो देखिए इसका क्षेत्र है वो लेन से तो अधिक और वेन से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये मैं फिर से लिख देता हूँ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में आपका हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क। और ये आपको दिमाग में आना चाहिए, जैसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ तीन चार मतलब एक कैंपस के अंदर ये लेन आपस में जुड़ रखे हैं, ठीक है। लेन का भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ दो प्रकार के, ठीक है। तो पूरी थ्योरी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, लेन नाम लेते ही पूरा बताना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए केन हो गया और उसके बाद में हमारा हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसकी बात आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ एक सिटी का है ये तो, है ना। और उसके बाद में आ गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क और उसके बाद में स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके तो देखिए इसमें पूछ रखा है कि लेन से तो अधिक होता है मेन, बिल्कुल लेन से अधिक ही होता है, ठीक है। और वेन से आपका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये कैंपस एरिया नेटवर्क तो इन्हीं को आपस में जोड़ दिया जाता है तब कैंपस एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो ज्यादा चांस नहीं है कि इसके क्वेश्चन आए, ठीक है। ज्यादा चांस है आपके लेन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये भी है कि आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ओके तो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, मेन बहुत सारे लेन से मिलकर बना होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ओके और आगे देखिए, मेन का प्रयोग एक शहर में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए होता है, बिल्कुल तीनों कथन यहाँ पर सही बैठ रहे। ओके तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके तो ये एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 22। ओके अत्यधिक बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है जिसे कहते हैं, बताइए। ये बोल रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पर, ठीक है, वैश्विक नेटवर्क की ये बात कर रहा है, ठीक है। अलग अलग फैले हुए नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है जिसे क्या कहते हैं हम,
वेन, ओके, वाइड एरिया नेटवर्क आपका हो जाता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो लार्जेस्ट वेन होता है वो क्या होता है, इंटरनेट होता है, ओके। और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट वेन क्यों बोला गया इंटरनेट को, देखिए इंटरनेट को लार्जेस्ट वेन इसलिए बोला गया, इंटरनेट तो देखिए एक वैश्विक नेटवर्क है ना, जबकि जो ये वेन है ना ये छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक स्टेट का वेन है, ठीक है, एक देश का वेन है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री का आपका वेन है, ठीक है, और हो सकता है पूरा का पूरा पूरे विश्व का वेन है, ठीक है, वेन है कि वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व का नेटवर्क है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है ना। एक स्टेट का नेटवर्क होता है उसको भी तो वाइड एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं ना, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। तो ये लार्जेस्ट क्यों बोला, कि सबसे जो बड़ा नेटवर्क है ना, सबसे बड़ा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपका क्या होगा, इंटरनेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते ही तो देखिए वहां पर हमने थ्योरी भी पढ़ी थी और फिर भी यहाँ पर भी हम छोटी छोटी चीजें हैं वो डिस्कस आपस में कर रहे हैं, ओके। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। देखिए बड़ी संस्थाओं का मतलब बहुत सारे लेन मेन ये सब मिलके, ठीक है, और वैश्विक क्षेत्र की बात आ गई है और राष्ट्रीय यानी कि कंट्री के लिए, ओके, और ये हो गया बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक। तो ये इतनी सारी बातें बोली गई है, इससे हमको समझना चाहिए कि किस नेटवर्क की बात हो रही है, तो वेन की बात यहाँ पर हो रही है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ओके। तो लेन इसका राइट आंसर नहीं होगा, मेन भी नहीं होगा, और ये वेन तो कुछ होता ही नहीं है, वोन क्या है ये कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान क्षेत्रीय, ये तो फिर से यही क्वेश्चन आ गया भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी, वेन। निम्न में से सबसे बड़ा नेटवर्क, तो सबसे बड़ा नेटवर्क भी क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ओके, नहीं 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 यहां पर आपका हो जाएगा सेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो आपका होता है सेन आपका होता है, ठीक है। लेकिन ये किस प्रकार से पूछा है वो भी यहाँ पे बताया नहीं, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये होता है, और बाकी वेन भी आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा नेटवर्क होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला ही है वैसे तो ना। आगे बढ़ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है ये। अब देखिए यहाँ पर वो दे ही नहीं रखा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होगी, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क होगी। एक बार ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउट वाला ही है, ओके, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। डेटा ट्रांसफर की सबसे कम गति होती है, तो डेटा ट्रांसफर की जो सबसे कम गति होती है, लेन की तो सबसे स्पीड होती है, ठीक है, और सबसे कम आपकी वेन की ही होगी, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना उतनी कम स्पीड आपकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, सेन का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो क्या होगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ओके। तो ये इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ओके। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 28 क्वेश्चन हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ओके। और जितने इम्पोर्टेंट जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं, और इनसे बाहर आई थिंक कुछ नहीं है, ओके। और एक बार हम देख लेते हैं कि कल के क्लास में हमने थ्योरी भी क्या क्या पढ़ी थी वो भी एक बार देख लेते हैं, ओके। तो देखिए हमने टाइप ऑफ नेटवर्क हमने कल और परसों की क्लास में हमने पढ़ा था, ओके। तो ये आज की क्लास में हमने पूरा विथ MCQs हमने पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है, ओके। और एकदम हमने डायग्रामेटिकली हमने सारी चीजें हमने पढ़ी थी, एक बार देख लीजिए, है ना। ये देखिए हमने तीनों डिफरेंस भी हमने यहाँ पर देखे थे, ओके। तो सारी चीजें हमने वन बाय वन हमने पढ़ ली थी, ओके। और ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए है, ओके। तो इससे बाहर अब कुछ नहीं बचता है, ओके, जो आपका सिलेबस में दे रखा है, लेन मेन और वेन, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया है, ओके। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 100% यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ओके। और ये जिनको जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा, ओके, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ओके। ओके दोस्तों, थैंक यू।